Welcome to Digital Channel, online classes conducted by the government of Telangana under the guidance of Umar Sayyid Umar Jalil Sahab, Commissioner of Intermediate Education. Once again, I welcome to all of you for intermediate first year classes, right? Today, as we have done a number of lectures on this topic, that is properties of triangle, यानी मुसल्लस की खसूसियात, इन टॉपिक पर हमने कई सवाल आपको हल कर चुका है। आज की क्लास में लॉन्ग क्वेश्चंस यानी तवील जवाबी सवाल आपको इंशाल्लाह हल करेंगे, राइट। देखिए पहला सवाल लिखिए, बताओ कि स्मॉल ए मसावी है, बताओ के स्मॉल ए मसावी है आर टू प्लस आर थ्री इंटू आर टू प्लस आर थ्री इंटू आर आर वन बाई आर टू आर थ्री आर आर वन बाई आर टू आर थ्री, ठीक है। आपको याद होगा कि ये स्मॉल आर आर वन आर टू आर थ्री के ताल्लुक से हमने बाज़ाब्ता फर्स्ट से और सेकेंड क्लास में इसकी मालूमात हासिल कर चुके हैं, ठीक है। स्मॉल आर क्या होता, अंदरूनी निष्फुतर, आर वन आर टू आर थ्री क्या होता, खारिजी निष्फुतर यानी एक्स रेडियाई, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर सपो अगर यहाँ पर क्या दिया, आर आर वन आर टू आर थ्री खतर क्या में दिया, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए में दिया है ना। और अगर आर वन आर टू आर थ्री की खतर अगर जाविये में आती है तो आपको मालूम है कि जाब्ते कौन से इस्तेमाल करना है, इसके लिए जाब्ते अलग है, और अगर जाविया है तो उसके लिए जाब्ते अलग है। तो पहली बात ये आप दिमाग में रख लेना कि दोनों जाब्तों का इस्तेमाल कब और कैसा किया जाए, राइट। तो अब यहाँ पर क्या दिया है उन्हें, स्मॉल ए इज इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री इंटू रूट ऑफ आर आर वन आर टू आर थ्री पूछ रहा है। तो जब यहाँ देखिए आप सीधी तरफ राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर क्या है, पूरे वैल्यूज स्मॉल आर में है, और लेफ्ट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, जिला है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर हम कौन से जब्ते इस्तेमाल करेंगे, आर आर वन आर टू आर थ्री के जावे जिले के इस्तेमाल करेंगे या जावे के इस्तेमाल करेंगे। तो इससे बात साफ जाहिर होती है, जब सीधे हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर जिला है तो यकीनी तौर पर हमको आर आर वन आर टू आर थ्री के जब्ते इन टर्म्स ऑफ जिलों में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं देता हूँ, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड आर एच ले रहा हूँ मैं, आर एच एस इज इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री इंटू आर आर वन बाई आर टू आर थ्री, ठीक है। आर टू प्लस आर थ्री इंटू रूट ऑफ आर आर वन बाई आर टू आर थ्री, ठीक है। फिर और एक बात आपको जाप्तों का ज्यादा यहाँ बाजू कर देता हूँ मैं, स्मॉल आर की खतर क्या होती थी, डेल्टा बाई एस, आर वन की खतर क्या होती, डेल्टा बाई एस माइनस ए, आर टू की खतर क्या होती, डेल्टा बाई एस माइनस बी, आर थ्री की खतर क्या होती, डेल्टा बाई एस माइनस बी, ठीक है। ये जाप्ते आपको याद है, तो ये जाप्तों को यहाँ पर मैं दर्ज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू आर टू डेल्टा बाई एस माइनस बी, आर थ्री डेल्टा बाई एस माइनस सी, ये सब दोनों को क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया, इंटू रूट ऑफ आर की कदर क्या है, डेल्टा बाई एस, आर वन क्या है, डेल्टा बाई एस माइनस सी, सो डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर बाई एस माइनस सी डिवाइडेड बाई आर टू, व्हाट इज आर टू, डेल्टा बाई एस माइनस बी, इंटू आर थ्री क्या है, डेल्टा बाई एस माइनस सी,
सो डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा स्क्वायर, राइट। चलो इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों से क्या किया मैं, डेल्टा कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या आता, वन बाई एस माइनस बी प्लस वन बाई एस माइनस सी आता। अब मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले रहा हूँ, सो व्हाट इज द एलसीएम, एस माइनस बी एस माइनस सी एलसीएम आता। ये चले गया तो ये बचता एस माइनस सी, ये चले गया तो ये बचता, ठीक है, इंटू। अब यहां पर मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूं, मैं ये डेल्टा स्क्वायर बाई एस इंटू एस माइनस सी, राइट। अब ये डिवाइड जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता इंटू, और ये नीचे का पलट के क्या हो जाता, ऊपर चल जाता। तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू सी दैट डेल्टा स्क्वायर कैंसल फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो व्हाट इज रिमेन्स, डेल्टा जैसा का वैसा, एस प्लस एस टू एस, व्हाट इज टू एस, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इट। नाउ दिस डेल्टा स्क्वायर कैंसल फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन व्हाट इज रिमेन्स, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। नाउ दिस माइनस बी प्लस बी कैंसल, माइनस सी प्लस सी कैंसल इच अदर, सो व्हाट इज रिमेन्स इज इक्वल टू, डेल्टा विल रिमेन एज इट इज, अंदर क्या बच रहा, ए बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, हियर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, अगर यहां पर मैं नीचे और ऊपर एस इंटू एस माइनस सी से जरब दिया तो मेरे पास क्या हो जाता, देखो ऊपर क्या बन जाता, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाता, ठीक है। ओके क्या हो जाता, उसकी फदर क्या होती, डेल्टा हो जाती, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी होता, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, एस इंटू एस माइनस जरब और तकसीम करने पर, राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई एस इंटू एस माइनस ए, सो दिस विल बिकम एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए, सो दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर, हो गया। राइट, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी क्या होता है, देखो दिस इज एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी होल स्क्वायर, एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर, सो दिस स्क्वायर एंड रूट कैंसल इच अदर, ठीक है। सो आई विल डू दिस थिंग सेम थिंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट दिस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे रुकुन को एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से जरब और तकसीम करने पर, ठीक है। तो आपको याद होगा, मालूम होगा कि क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ डायरेक्ट कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए लिख दिया मैं दूसरे रुकून को एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से जरब और तकसीम करने पर, ये क्या हो जाता, डेल्टा जैसा का वैसा ए बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी
इंटू रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी तो था, जब मैं एस माइनस सी जरब दिया तो क्या बन गया ये एस माइनस बी होल स्क्वायर एस माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विच इज इक्वल टू डेल्टा इज इट इज ए डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इट इज इंटू नाउ स्क्वायर रूट कैंसिल इच अदर स्क्वायर रूट कैंसिल इच अदर सो विच गिव्स मी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई सो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट विच इज नथिंग बट डेल्टा ठीक है सो एस माइनस बी एस माइनस सी कैंसिल हो गया एस माइनस सी कैंसिल हो गया डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया सो इज इक्वल टू ए विच इज नथिंग बट यूर लेफ्ट हैंड साइड ठीक है ये है आपका आंसर आगे समझे क्या करें देखो ए मसावी है आर टू प्लस आर थ्री रूट ऑफ आर आर वन बाई आर टू आर थ्री बताना है मेरे को तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बताऊं इसीलिए मैं क्या करा राइट हैंड साइड को मुंतखब किया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री इंटू रूट ऑफ आर आर वन बाई आर टू आर थ्री ले लिया राइट अब यहाँ पर ये जब इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आर टू की हजार डेल्टा बाई एस माइनस बी आर थ्री की हजार डेल्टा बाई एस माइनस सी इंटू रूट ऑफ आर आर वन की हजार ये हो गई डेल्टा स्क्वायर बाई एस इंटू एस माइनस ए आर टू आर टू की हजार ये हो गई डेल्टा स्क्वायर बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी राइट यहाँ से डेल्टा बाहर निकाल लिया तो बचा नीचे एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बचा था एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ गया एस माइनस बी और यहाँ आ गया एस माइनस सी राइट ये डेल्टा स्क्वायर बाई एस इंटू एस माइनस सी इट इज दिस विल बी इन्वर्टेड एंड डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई हो गया ये पलट गया पलट के क्या हो गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा स्क्वायर हो गया हाँ डेल्टा स्क्वायर कैंसिल फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर स्मॉल बी एस प्लस एस इज इक्वल टू टू एस टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ले लिए इंटू माइनस सी माइनस बी एज इट इज नाउ दिस इज नथिंग बट डेल्टा स्क्वायर कैंसल व्हाट इज रिमेन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस सी आ गया नाउ दिस माइनस बी प्लस बी कैंसल माइनस सी प्लस सी कैंसल क्या बचा ऊपर ए बचा सो डेल्टा इंटू ए बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिख दिया जैसा का वैसा इंटू अब यहाँ पर क्या बच रहा था मेरे पास एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई एस इंटू एस माइनस सी बच रहा था तो मैं यहाँ क्या करूँ क्या ये पहला रुकन है ये दूसरा रुकन है दूसरे रुकन को एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ज़रब और तकसीम करने पर इसको मैं ज़रब और तकसीम करूँ तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी हो जाएगा एस माइनस बी होल स्क्वायर एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी होता एस माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी जैसा का वैसा देन दिस एस माइनस बी एस माइनस सी विल रिमेन एज इट इज नाउ यू सी दैट दिस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल इच अदर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल इच अदर यहाँ बचता डेल्टा इंटू ए बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये दोनों चले गए तो बचा खाली एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई इसकी हजार बची डेल्टा सो एस माइनस बी कैंसल एस माइनस सी कैंसिल कर डेल्टा डेल्टा कैंसल सो वॉट इज रिमेन ए विल रिमेन सो ए इज मेन नथिंग बट माई एल एच एस राइट सो दिस इज द आंसर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है सेवन मार्क्स का कई दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछ चुका है देखिए अगर अगर कोई मुसलस ए बी सी के रास अगर सवाल लिखिए अगर कोई मुसल्लस एबीसी में अगर कोई मुसल्लस एबीसी में से एबीसी में पी वन कॉमा पी टू कॉमा पी थ्री इर्तखा
यानी altitudes, P1, P2, P3 इर्तिखा altitudes, इर्तिखा है, इर्तिखा खींचे जाते हैं, ये कमा इर्तिखा खींचे जाते हैं अगर कोई मुसलस ए बी सी में अगर कोई मुसलस ए बी सी में P1, P2, P3 इर्तिखा खींचे जाते हैं ग्राफ ए कॉमा बी कॉमा सी पर, ग्राफ कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी पर, ग्राफ ए कॉमा बी कॉमा ग्राफ खींचे जाते हैं ग्राफ ए कॉमा बी कॉमा सी से मुकाबिल जिलों पर, तब बताओ के तब बताओ के नंबर वन तब बताओ के नंबर वन वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू प्लस वन बाई पी थ्री इज इक्वल टू वन बाई पी वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू प्लस वन बाई पी थ्री इज इक्वल टू सॉरी वन बाई आर वन बाई स्मॉल आर. सेकंड वन वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू माइनस वन बाई पी थ्री वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू माइनस वन बाई पी थ्री इज इक्वल टू वन बाई आर थ्री. नंबर थ्री पी वन पी टू पी थ्री पी वन पी टू पी थ्री इज इक्वल टू ए बी सी होल स्क्वायर ए बी सी होल स्क्वायर बाई एट आर क्यूब एट आर क्यूब विच इज ऑल्सो इक्वल टू एट डेल्टा क्यूब बाई ए बी सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू एट डेल्टा क्यूब बाई ए बी सी. ठीक है, इसके अंदर देखो अब तीन बिट्स है उन्हें क्या बोला देखो अगर कोई मुसलस ए बी सी में पी वन कॉमा पी टू कॉमा पी थ्री पी थ्री इर्तिखा यानी आल्टीट्यूड खींचे जाते हैं रास ए कॉमा बी कॉमा सी से मुकाबिल जीरों पर यानी उनके अपोजिट साइड्स पर तो हमको ये बताना है. ठीक है, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, ज़रा लंबा है, 3 बिट्स है. चलिए अब सबसे पहले आपको मैं शक्ल उतार के बताता हूँ कि ये मुसलस है ए बी सी. ठीक है, ये आल्टीट्यूड है यानी इर्तिखा, इसका नाम है पी वन. ये दूसरा आल्टीट्यूड है, इसका नाम है पी टू. ये तीसरा आल्टीट्यूड है, इसका नाम है पी थ्री. ये ए के सामने वाला जो जिला होता है ये होता है स्मॉल ए, बी के सामने वाला जो जिला होता है स्मॉल बी, सी के सामने वाला जो जिला होता है स्मॉल सी. ठीक है, ये तो आपको मालूम है. ठीक ना, अब इसकी बुनियाद पर आपको मालूम है हम जानते हैं मुसलस का रकबा. मुसलस का रकबा क्या होता, डेल्टा मसावी है हाफ इंटू इर्तिखा इंटू असास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड. ठीक है, ये आप तो पढ़े आप, तो हाफ जैसा का वैसा, बेस
बच्चों आसार ये होता है ए इंटू इर्तिखा यानी आल्टीट्यूड, क्या होता है पी वन। सो इसका मतलब हो गया टू डेल्टा बाई ए इज इक्वल टू पी वन। तो इससे मुझे क्या हासिल हुआ, पी वन की कदर हासिल हो गई, पी वन मसा वी है टू डेल्टा बाई ए। सो दिस इम्प्लाइज दैट पी वन इज इक्वल टू टू डेल्टा बाई ए। इसी तरह सिमिलरली पी टू क्या होता टू डेल्टा बाई बी, पी थ्री क्या होता टू डेल्टा बाई सी। ठीक है, ये हो गए हमारे पी वन पी टू पी थ्री की खदरें, पी वन पी टू पी थ्री, यहाँ बाजू लिखता हूँ मैं पी थ्री इज इक्वल टू टू डेल्टा बाई सी। राइट, नाउ कम टू द सॉल्यूशन। अब मुझे फर्स्ट बिट मालूम करना है, क्या है फर्स्ट बिट, वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू प्लस वन बाई पी थ्री इज इक्वल टू वन बाई आर बताना है। राइट, नाउ फर्स्ट बिट का सॉल्यूशन क्या होता है, देखो एल एच एस, व्हाट इज माय एल एच एस, वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू प्लस वन बाई पी थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पर आप पी वन की वैल्यू देख लिए, पी वन की वैल्यू क्या है टू डेल्टा बाई ए है। अगर मेरे को वन बाई पी वन होना है तो क्या होता है, इन्हें इन्वर्ट हो जाता, पलट जाता, पलट के क्या बन जाता ए बाई टू डेल्टा। सो दिस इज नथिंग बट ए बाई टू डेल्टा, दिस इज नथिंग बट बी बाई टू डेल्टा, दिस इज नथिंग बट सी बाई टू डेल्टा। सो दिस इज इक्वल टू टू डेल्टा इज एलसीएम, इन्हें बन जाता ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, टू ईयर्स, सो टू ईयर्स बाई टू डेल्टा इज इक्वल टू एस बाई डेल्टा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस बाई डेल्टा इज वन बाई आर, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, देयरफॉर वन बाई आर इक्वल टू एस बाई डेल्टा, सो विच इज बाई आर एच एस। ठीक है, तो आपका फर्स्ट बिट प्रूफ हो गया। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड बिट, व्हाट इज द सेकेंड बिट, वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू माइनस वन बाई पी थ्री इज इक्वल टू वन बाई आर थ्री, एल एच एस इज इक्वल टू वन बाई पी वन प्लस वन बाई पी टू माइनस वन बाई पी थ्री। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द सेम वैल्यूज, दैट इज ए बाई टू डेल्टा प्लस बी बाई टू डेल्टा माइनस सी बाई टू डेल्टा, सो विच इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू डेल्टा। राइट, नाउ वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू ईयर्स, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टू ईयर्स, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू ईयर्स, और व्हाट इज ए प्लस बी, टू ईयर्स माइनस सी। तो यहां से लिखता हूं मैं टू ईयर्स माइनस सी, ये माइनस सी जैसा का वैसा डिवाइडेड बाई डेल्टा, सो विच इज इक्वल टू टू ईयर्स माइनस टू सी बाई डेल्टा, और इफ आई टेक आउट कॉमन टू विल बी कॉमन एस माइनस सी, इफ आई टेक आउट कॉमन दिस इज एस माइनस सी बाई डेल्टा, यानी क्या था टू डेल्टा था, ये भी टू डेल्टा है, ये भी टू डेल्टा है, सो दिस इज ऑल्सो टू डेल्टा, सो टू टू कैंसल, सो विच इज नथिंग बट एस माइनस सी बाई डेल्टा। सो वॉट इज एरिया ऑफ एस माइनस सी बाई डेल्टा इज नथिंग बट 1 by R3, so R3 equal to delta by S minus C, so which is my RHS, isn't it? So we have proved first bit and second bit, write down this, then we have to prove the third bit, okay, just copy it on this, come to the third bit, what is the third bit, third bit, this one LHS is equal to P1 P2 P3 is equal to, what is P1, 2 delta by A into 2 delta by B into 2 delta by C, which is equal to 8 delta cube by ABC. So I got this answer, that is 8 delta cube by ABC. Now, with the help of this, I have to prove the second bit, second part. Now, again, 8 delta cube by ABC is equal to 8. So, क्या करते हैं देखो, आपको मालूम है 8 delta की खबर आप इससे पहले पढ़ चुके हैं,
कैपिटल आर ए बी सी इज इक्वल टू फोर आर डेल्टा, तो ए बी सी बाई फोर डेल्टा इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये वैल्यू आप पढ़ चुके हैं। लेकिन मुझे क्या होना, डेल्टा होना है ना, तो सेंड दिस कैपिटल आर हियर, दिस विल बी डेल्टा, सो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाई फोर आर हो गया। सो वाट इज दिस डेल्टा क्यूब, सो क्यूब दिस, सो दिस इज नथिंग बट ए बी सी होल क्यूब डिवाइडेड बाई वन ए बी सी इज ऑलरेडी देयर ओल्ड वन इन टू वाट इज दिस फोर आर, यहाँ पर क्यूब कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता फोर फोर था सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर था सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर आर क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी कैंसल इच अदर फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, एट वन था एट एट था सिक्सटी फोर कैंसल फ्रॉम द डिनोमीटर, सो वॉट इज रिमेन इन द न्यूमरेटर ए बी सी होल स्क्वायर, ए बी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट आर क्यूब, राइट, सो दिस इज द आर क्यूब, इज इट क्लियर, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको और थोड़ा सा चेंज करके क्या बोलता, यहाँ पर पी वन पी टू और पी थ्री इर्तिखा को डिनोट किया ना, इसकी वजह क्या बोलता हूँ, इसका नाम क्या बोलता बाद वक्त डी बोलता, ये इर्तिखा जो खींचे इसका नाम बोलता डी, इसका नाम बोलता ई, इसका नाम बोलता एफ, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिए सवाल को, यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली ला सकते सवाल में, अगर कोई मुसलस ए बी सी में पी वन पी टू पी थ्री के प्लेस पर ए डी बी ई सी एफ इर्तिखा खींचे जाते हैं रास ए कमा बी से मुकाबिल जिलों पर, तब बताओ कि बल्कि ये चीज दे सकते, तो ए डी बी ई सी एफ दिया तो आप देखिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ए डी बी सी एफ क्या है, जो इर्तिखा खींचे थे इर्तिखा का नाम वहाँ पे क्या रखे थे, पी वन पी टू पी थ्री रखे, यहाँ पे नाम उन्हें नहीं रख रहा, नहीं रख के डायरेक्ट उसका नाम ए डी बी सी एफ बोल देता, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब ये इर्तिखा है, आई बात समझें। तो ऐसा सवाल और एक आपकी किताब के अंदर अवेलेबल है, यू गो एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन, एंड यहाँ पर थोड़े से बिट्स में क्या है, थोड़ी सी तब्दीली है, इंशाल्लाह यू मे डू इट ऑन योर ओन, सो बाई दिस वी कंक्लूड द सेशन टूडे, एंड इंशाल्लाह अगेन इन द रिमेनिंग इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द रिमेनिंग प्रॉब्लम, बाय द टाइम यू गो एंड प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन, राइट।